आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स, सच है तो खबर है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है सेंधवा से, जहां पर सेंधवा में विधानसभा के वन अंचल धवली और दुगानी क्षेत्र से, जहां से करीब 400 माता के भक्तों की पैदल पावागढ़ के लिए 22 सितंबर 2024 को निकली थी, जो 8 दिनों में 30 सितंबर को पावागढ़ पहुंची। इस क्षेत्र के जनपद पंचायत सदस्य युवा राकेश सोलंकी ने बताया कि इस यात्रा का जय मां भद्रकाली ग्रुप द्वारा पावागढ़ श्रद्धा यात्रा का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है, जिसमें श्रद्धालु अपने परिवार, गांव व देश में एकता का भाव जगाने को लेकर यात्रा करते हैं। राकेश सोलंकी ने कहा कि पावागढ़ की यह यात्रा 15 वर्षों से आयोजित हो रही है। यात्रा में प्रारंभिक दौर में मात्र 5-7 भक्त ही पैदल जाते थे, लेकिन अब भक्तजनों की संख्या में प्रतिवर्ष बढ़ोतरी हो रही है। इस बार करीब 400 भक्तजन यात्रा में शामिल थे। आपको बता दें, यात्रा की तैयारी बहुत पहले से की जाती है। एक जैसी भगवा वेशभूषा, संगीत के साथ, माता के भजनों के साथ पावागढ़ यात्रा निकली है, जो रास्ते भर लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र होती है। गौरतलब है कि ये यात्रा ग्राम धवली से प्रारंभ होकर पावागढ़ शिखर धाम पर संपूर्ण होती है। लगभग 400 यात्रियों के साथ में पैदल यात्रा 350 किलोमीटर पैदल चलकर 8 दिन में यात्रा को संपूर्ण करते हैं, जो विगत 15 वर्षों से लगातार यह पैदल यात्रा हर वर्ष नवरात्रि के पर्व आयोजित की जाती है। महाराज जी, आपकी यात्रा कितने समय से आ रही है, मतलब कितने दिन लगे आपको आने में? यात्रा 8 दिन धौली से स्टार्ट होकर मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले ग्राम धौली से स्टार्ट होकर पैदल यात्रा 8 दिनों से लगातार पैदल चलते हुए हम तक अभी पहुंचे हैं। यहाँ पे जुड़े हुए यात्रा। जय अम्बे माता की, जय अम्बे